फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके गुलदाउदी प्लांट में लगभग फ्लॉरिंग बंद हो चुकी होगी और अब आपको इसमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि अगली साल के लिए हम इसको सेव कर सकें और नेक्स्ट ईयर बहुत सारी फ्लॉरिंग पा सकें। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका प्लांट पूरे साल भर ठीक तरह से नहीं रहेगा और जब इसमें फ्लॉरिंग का टाइम आएगा तब तक ये प्लांट ख़राब हो चुका होगा। तो अभी बहुत ही अच्छा समय है, फरवरी लास्ट चल रहा है और आप इसमें कुछ ऐसे 2 से 3 काम करने हैं। ये काम करके आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छा हेल्दी रख सकते हैं और ये साल भर अपनी ग्रोथ भी करता रहेगा और समय आने पे इसमें फ्लॉरिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका प्लांट यदि कुछ इस तरह से सूखने लगा है या इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं तो इस प्लांट को आपको डीप प्रूनिंग करनी है। इसको हम काट छाट कर दें क्योंकि इसमें फ्लॉरिंग अब ख़त्म हो गई है, तो हम इसको डीप कटिंग करेंगे क्योंकि ये यदि इसी तरह से रहेगा प्लांट तो इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी और यदि हम वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये प्लांट सूख जाएगा और अपनी ग्रोथ ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट करती हूँ। आपको बिल्कुल नीचे से थोड़ा थोड़ा सा प्लांट रह जाना है, इस हिसाब से आपको ये देखिए इसको काट देना है। इस तरह से काटने के बाद, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे फंगस, कीड़े मकोड़े और इसमें सूखी पत्तियां होती हैं, तो इसके लिए फिर हम इसको पूरी तरह से कट करने के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे जिससे कि प्लांट ख़राब ना हो और अपनी ग्रोथ करता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे प्लांट की अच्छी तरह से प्रूनिंग कर दी है और सारे सूखे पत्ते सब को हटा लिया है। ये इस तरह से आपको भी कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, साइड से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से इस प्लांट के रूट्स में हवा जाएगी और प्लांट की रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती रहेंगी। तो इस तरह से साइड में कर देना है। अब फ्रेंड्स, यदि बात करें फर्टिलाइज़र की तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस समय फर्टिलाइज़र दें क्योंकि ये प्लांट अब ज़्यादा फ्लॉरिंग नहीं करेगा और उसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसमें हल्की सी पत्तियों की खाद 1 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। ये हमारे प्लांट को ठंडक भी देती है और इसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, तो ये बहुत अच्छी खाद है। इस समय यदि आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारा पूरी तरह से अब अगले सीजन के लिए तैयार हो गया है और इस प्लांट को आप सेमी शेड में रखें, ज़्यादा धूप में नहीं रखें। प्लांट बहुत अच्छी तरह से साल भर ग्रोथ करता रहेगा। थैंक यू।